नमस्कार, मैं निहल एमपी न्यूज़ के खास सेगमेंट न्यूज़ रूम में आपका स्वागत करती हूं। तो आज हम आपसे मध्य प्रदेश की कुछ खास बड़ी बातों पर चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पीतमपुर के नेकट्रेस पर हाल ही में संपन्न हुआ बाहा 2022 इवेंट में SGSITS ने प्राइड ऑफ एमपी का खिताब अपने नाम किया है। यह खिताब पाने के लिए कॉलेज प्रबंधन ने तय किया है कि स्टूडेंट्स की टीम द्वारा तैयार की गई ATV हमेशा कॉलेज कैंपस में ही रखी जाएगी। कॉलेज प्रबंधन का मानना है कि टीम की मेहनत और लगन को देखकर यह तय किया गया है कि इवेंट पूरा हो जाने के बाद पिछली बहा में शामिल हुई ATV की तरह इस बार भी बहा 2022 में शामिल हुई ATV के पुर्जे नहीं निकाले जाएंगे और ना ही किसी दूसरे व्हीकलों में पुर्जों को लगाया जाएगा। कार को हमेशा ही परिसर में रखा जाएगा। व्हीकल को इस साल मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के सेकेंड और थर्ड ईयर के 25 स्टूडेंट्स ने मिलकर तैयार किया है। टीम ने बाहा 2022 में पहली बार दिया गया MP ऑफ प्राइड अवार्ड अपने नाम करने के साथ ही CIE में 4th रैंक, डिज़ाइन में टॉप 10th रैंक हासिल की है। साथ ही वही टीम का मानना है कि ओवरऑल रैंक अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन इसमें भी टॉप 15 के अंदर ही रहेंगे। अब हम बात करेंगे SGSITS के स्टूडेंट्स द्वारा तैयार की गई ATV के बारे में। ATV में स्पीड बढ़ाने के लिए इस बार व्हीकल का वजन कम कर दिया गया है। फर्स्ट प्राइज जीतने वाले व्हीकल का वजन 195 किलो था, जबकि इस व्हीकल का वजन 180 किलो है। टीम ने गियरबॉक्स कॉलेज में नए डिज़ाइन से तैयार किया है। टीम ने 10,000 रुपये में ही यह तैयार किए हैं, जबकि पिछली बार 19,000 में गियरबॉक्स तैयार किए गए थे और बाज़ार में 30,000 रुपये में गियरबॉक्स मिलते हैं। व्हीकल को 4-व्हील ड्राइव बनाने के लिए डिफरेंशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे 7 लाख का बजट मिलने के बाद भी टीम ने सिर्फ 3 लाख रुपये में ही ये ATV बनाकर तैयार की है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की तैयारियों में लगी BJP और कांग्रेस वोटरों को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। यही वजह है कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर SC वोटर्स को साधने के लिए CM शिवराज सिंह चौहान महू में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की ओर से पूर्व CM कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी अंबेडकर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने जाएंगे। कोरोना की बंदिशें खत्म होते ही 2 साल बाद फिर से BJP और कांग्रेसियों को संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की याद आ गई है। अगले साल MP में विधानसभा चुनाव है, यही वजह है कि राज्य में 17% वोटरों पर दोनों ही दलों की नज़र है। इन्हें लुभाने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम का सहारा लिया जा रहा है। BJP सरकार 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर 3 दिवसीय महोत्सव करने जा रही है, जिसमें CM शिवराज के साथ प्रदेश और केंद्र सरकार के मंत्री शामिल होंगे। जानकारी है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी इसका न्योता भेजा गया है। कार्यक्रम में 5 लाख से ज़्यादा अंबेडकर के अनुयायी शामिल होंगे। इसके लिए उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। BJP कार्यकर्ता देश विदेश से आने वाले अनुयायियों का स्वागत करेंगे, ताकि उनकी सहानुभूति मिल सके और वोट बैंक में इजाफा भी हो सके। अब हम बात करेंगे कि इंदौर में कांग्रेस ने पूर्व CM उमा भारती पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि उमा भारती यदि वास्तव में प्रदेश की जनता के हित के बारे में सोचती है, तो वे राजनीति ड्रामेबाजी छोड़ दें और महंगाई, बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दों पर सरकार के खिलाफ कांग्रेस की तरह आंदोलन करें। उमा भारती कांग्रेस का साथ दें और जनता की भलाई के बारे में सोचें। और साथ ही यह भी कहा कि भाजपा की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुकी है और सिर्फ पार्टी के बारे में पार्टी पर दबाव रखने के लिए वे नित नए शिगुफे लेकर आती हैं। कभी वे शराबबंदी की बात करती हैं, शराब दुकानों पर पत्थरबाजी करती हैं, फिर उस बात से यू टर्न ले लेती हैं, फिर रायसेन के शिव मंदिर में अभिषेक की बात कर अन्न त्यागने की बात करती हैं और बाहर से ही जल चढ़ाकर वापस आ जाती हैं। वे पूरी कोशिश कर रही हैं कि प्रदेश भाजपा सरकार का उनकी तरफ ध्यान आकर्षित हो, लेकिन शिवराज सरकार उनकी इन हरकतों पर ज़रा भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता व सचिव नीलाभ शुक्ला का कहना है कि उमा भारती कांग्रेस पार्टी की तरह सड़कों पर महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जन आंदोलन कर महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जन आंदोलन करें और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की ड्रामेबाजी बंद कर दें, राजनीति से पूरी तरह संन्यास लें और शांति से जीवन यापन करें। अब हम बात करेंगे पूर्व CM व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो NSCI के जिला अध्यक्ष शिवराज यादव से मिलने ग्वालियर सेंट्रल जेल पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस सब इंस्पेक्टर की हत्या के प्रयास के आरोप में बंद NSCI के जिला अध्यक्ष शिवराज यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के सारे नियम तोड़े गए। दिग्विजय ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर जेलर के कैबिन में आरोपी से मुलाकात की। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर कांग्रेसियों के द्वारा ही वायरल किया गया। अब इस मुलाकात की शिकायत गृह विभाग और CM हाउस तक पहुंच गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ग्वालियर सेंट्रल जेल के अधीक्षक मनोज कुमार साहू को निलंबित करने का फैसला लिया है और साथ ही उन्होंने सेंट्रल जेल के अफसरों की भी क्लास लगाई है। गृह मंत्री का कहना है कि दिग्विजय सिंह जी 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मैं समझता था कि उन्हें नियम प्रक्रियाओं का ज्ञान होगा। जेल के अंदर
फोटो वायरल नहीं किए जाते। मैं आपको बता दूं कि NSUI जिलाध्यक्ष शिवराज यादव कुछ समय पहले भाजपा के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन के दौरान CM शिवराज का पुतला दहन कर रहे थे। तभी इंदरगंज के सब इंस्पेक्टर गौतम ने पुतला छीनने का प्रयास किया और उसमें सब इंस्पेक्टर का आरोप है कि जिलाध्यक्ष शिवराज और उनके साथियों ने इसे मार दो कहते हुए पुतला उनके ऊपर फेंक दिया। इसके बाद SI काफ़ी झुलस गए और उस पूरे मामले में पुलिस ने NSUI जिलाध्यक्ष और उनके साथियों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। तब से ही NSUI के जिलाध्यक्ष शिवराज जेल में बंद हैं। अब हम बात करेंगे कि चुनाव नज़दीक है और राजनीतिक दलों की नज़र हर वोट पर है। आदिवासियों का वोट राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़ा वोट बैंक है। वहीं BJP PM नरेंद्र मोदी के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा कार्यक्रम भोपाल में करने जा रही है। इसमें आदिवासी समाज के लिए कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं और उन्हें कई बड़ी सौगातें भी दी जा सकती है। कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो चुकी है। MP में चुनावी मोड में आई BJP सरकार हर वर्ग को खुश करने में लगी हुई है। प्रदेश सरकार अब 22 अप्रैल को भोपाल में बड़ा आयोजन करने जा रही है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। खबर है कि अमित शाह का यह कार्यक्रम राज्य सरकार भोपाल के जम्बूरी मैदान में करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए मंत्रालय में बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। अमित शाह की मौजूदगी में आदिवासियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी की जा रही है। PM मोदी की मौजूदगी में हुए जनजातीय गौरव दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो ऐलान किए थे अब उस पर अमित शाह की मौजूदगी में अमल होगा। राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत तेंदुपत्ता बेचने का काम ग्राम समिति ग्राम सभा को देने का फैसला किया है। इसी तरह वन उपज बांस बल्ली और जलाऊ लकड़ी पर वन समितियों का अधिकार होगा। समिति को अधिकार है कि वह बांस बल्ली और जलाऊ लकड़ी बेचकर आय कमा सकती है। कटाई से जो इमारती लकड़ी हासिल हो रही है उसका एक अंश समिति को दिया जाएगा। राज्य सरकार ने देवारण्य योजना वन उत्पाद और वन औषधि को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला किया है। राज्य सरकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में प्रदेश के लाखों आदिवासियों को तेंदुपत्ता संग्रहण का बोनस भी देने की तैयारी कर रही है। यह करोड़ों का होगा। अब हम इसे इलेक्शन के नज़रिए से देखते हैं तो 15 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जनजाति गौरव दिवस मनाया गया था। 5 महीने के अंतराल में वो दूसरा बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। 1.5 साल बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और हम सभी जानते हैं कि आदिवासी वोट निर्णायक भूमिका रखते हैं। इस बार मुकाबला कड़ा होने वाला है। माना जा रहा है कि 2018 में हार चुकी BJP इस बार कांग्रेस का हर वोट छटकना चाहती है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए MP न्यूज़। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज़ TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज़ TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।